एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन तो किसी भी प्रकार के अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है राइट ओके तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे यस ऑलराइट चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग आज आ, का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें ग्लोबल आ, जो फॉरेस्ट वॉच है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं आ, तो जैसा कि आपको पता है कि ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ये क्या है और ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर में तभी दो में जो है अच्छा खासा जो है वो आपको फॉरेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है तो अगर आप किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आप इस वीडियो अच्छा लगे तो ऑनली स्टडी चैनल को सर्च करके यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन शेयर इट टू एवरी ठीक है चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वे स्टार्ट करते हैं तो अभी जो है एक स्टडी से ये पता चला वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है एक ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है यहाँ पे रखता है जिसमें हमारे विश्व में जो है वो फॉरेस्ट की स्थिति क्या है फॉरेस्ट कवर कितना है तो इसके बारे में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया और उस रिपोर्ट में ये पता चला कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा ही जो है वो कमी आई है जो फॉरेस्ट कवर में दो में तो दो के इस रिपोर्ट से हमको यही पता चला कि जो जंगल में जो भारी कमी आई है अब है क्या क्या पाया गया इसमें मतलब ग्लोबल वॉच में क्या पाया गया तो यह पाया गया कि लगभग जो है पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो 4.1 मिलियन हेक्टेयर जो है वो आपका यहाँ पे रिड्यूस हुआ है लॉस हुआ है जंगल का ठीक है जो लगभग 11 फुटबॉल फील्ड के बराबर है जो एवरी मिनट आपका खत्म हो रहा है हर एक मिनट में जो 11 फुटबॉल फील्ड के बराबर जो एरिया होता है उतना एरिया जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो भी आपको लॉस देखने को मिला है जो टेन परसेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर अगर 2021 की बात करें तो 2021 के कंपेयर में 2022 में जो है वो टेन परसेंट ज्यादा लॉस हुआ है प्राइमरी प्राइमरी फॉरेस्ट का ठीक है अब यहाँ पे इस स्टडी से ये भी पता चलता है कि जो वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक जो भी आपका फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी कमिटमेंट किया गया था यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा तो वो अभी तक हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा ट्रैक था उस ट्रैक से अभी भी हम लोग काफी दूर हैं। इसमें दो गोल पे हम लोगों को मतलब यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे दो गोल सेट किया गया था कि 2030 तक हम लोग डिफॉरेस्टेशन को एंड कर देंगे तो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा हर एक वर्ष एवरी ईयर ये टेन परसेंट जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा मतलब टेन परसेंट कम करना पड़ेगा जो भी आपका हर साल जो है ग्लोबल यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लेकिन वो टारगेट पूरा करने के लिए 2030 तक लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डीफॉरेस्टेशन रेट तो रिड्यूस हुआ लेकिन ये 3.1 परसेंट के ही लगभग हुआ है अगर 2018-20 के कंपेयर से मतलब 2022 के डेटा से, -20 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो और अभी भी हम लोगों को बहुत लगभग मतलब ओवर वन मिलियन हेक्टेयर जो है मतलब एक्सीड है मतलब वन मिलियन हेक्टेयर जो है वो ज्यादा यहाँ पे अभी भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे हमारा जो है 2030 का जो गोल है उसको हम लोग आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगे ऐसा इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया बताया गया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसमें और क्या बताया गया कि जो 300 मिलियन हेक्टेयर है उतना तक आपको जो लॉस जो लॉस्ट हुआ उसको रिस्टोर करना और डिग्रेड करना फिर से फॉरेस्ट को 2030 तक तो ये सारे गोल थे जो यहाँ पे सेट किया गया था ठीक है ओवरऑल चेंज क्या हुआ है ट्री कवर में अगर हम लोग देखे तो पिछले दो दशक से हम लोगों ने देखा कि नेट लॉस जो हो रहा है पिछले 20 सालों से दो दशक से 100 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट uh, का लॉस हुआ है इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग जो है अभी भी रिक्वायर्ड रोड uh, मतलब रिक्वायर्ड जो भी रेट है उससे इससे ये पता चल रहा है कि अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं जो हमारा गोल अचीव है अगर इस तरीके से अगर हम लोग चलते हैं तो ये गोल इतने आसानी से हम लोगों का अचीव नहीं होगा ठीक है अब कंट्री जैसे कि आपका ब्राज़ील हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया इसमें जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर है इसमें भी आपको 2020 में 22 में जो है वो आपको लॉस देखने को मिला है अगर इंडिया की बात करें ये तो वर्ल्ड की बात हो गई अगर भारत की बात करें तो भारत में भी जो है इंडिया में लॉस आपको फोर्टी फोर थाउजेंड हेक्टेयर जो है हमिड प्राइमरी फॉरेस्ट को देखने को मिला जिसमें बिटवीन टू एंड में जिसके कारण ऑफ द कंट्री टोटल जो अगर परसेंटेज में बात करें तो टोटल जो ट्री कवर का लॉस हुआ है इस पीरियड में सेवेंटीन परसेंट लॉस हुआ है जो भी हमारा जो फॉरेस्ट कवर था अब यहां पे बार बार आ रही है व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी मैंने यहाँ पे बात की कि है कि प्राइमरी फॉरेस्ट है यहाँ भी आपको एक आया प्राइमरी फॉरेस्ट तो प्राइमरी फॉरेस्ट होता क्या है तो प्राइमरी फॉरेस्ट वैसा फॉरेस्ट है जो बहुत पुराना होता है उसको दैट इज ऑल्सो नोन एज द वर्जिन फॉरेस्ट ठीक है ये मैच्योर होता है एंड अनडिस्टर्ब नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं वैसे फॉरेस्ट जिसमें अभी तक जो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ ठीक है अल्ट्रेशन नहीं हुआ आने वा मतलब पिछले कुछ हिस्ट्री में मतलब वैसा जंगल जिसमें कोई व्यक्ति अभी तक उसमें इंटरवेंशन नहीं किया उसमें गया नहीं और फिर वहां पे अपने अनुसार जो है उसका छेड़छाड़ नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको प्राइमरी फॉरेस्ट को ओल्ड ग्रेथ ग्रोथ फॉरेस्ट भी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्जिन फॉरेस्ट मैच्योर एंड अनडिस्टर्ब नेचुरल फॉरेस्ट ठीक है तो ये दीज फॉरेस्ट है स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड एग्जीबीट कॉम्प्लेक्स एंड द डाइवर्स इकोसिस्टम तो यहाँ पे जो है ये भी मैच्योरिटी uh, पे पहुंच गया है ये जो है कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम पहुंच चुका है जिसमें ट्री जो है वो फुल्ली डेवलप हो चुके हैं ठीक है अंडर स्टोरी वेजिटेशन है और रिच डाइवर्सिटी है इसका महत्व क्यों है वाई वी आर यूजिंग द दिस प्राइमरी फॉरेस्ट इन दिस क्लाइमेट चेंज और डिक्लाइन ऑफ द फॉरेस्ट तो यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इससे जो है आपका स्टोरिंग कार्बन और सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी होता है अगर ये एक बार लॉस हो गया तो रीग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी फॉरेस्ट कैन नॉट बी मैच द इकोलॉजिकल एंड द कार्बन सिक्वेंसट्रेशन कैपेबिलिटी तो जो कार्बन का सीक्वेंट्रेशन है और रीग्रोथ करना इस टाइप का सेकेंडरी प्रोथ मतलब फॉरेस्ट वो आपका पॉसिबल ही नहीं है इसको मैच ही नहीं किया जा सकता उसको जो आपका है फिर से अगर आप उसको करेंगे तो उसको करना मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है ठीक है अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है क्या ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2014 में लॉन्च किया गया था एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो पूरे विश्व के फॉरेस्ट जंगलों पे रियल टाइम मॉनिटर करता है उसको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का जिसमें पार्टनर कौन कौन से कंपनी है गूगल है यू सैड है एंड दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू सैड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी सी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड इसी विजुअलिटी एंड मेनी अदर बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसमें हेल्प कर रहे हैं इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2021 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको दो स्टेटमेंट था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द आर्बर फाउंडेशन हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज द हैदराबाद एज द 2020 थाउजेंड थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यस हैदराबाद को 2020 में थ्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जरूर चुना गया था आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी वो थी एफ जिसको हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे तो यहाँ पे क्या था कि हैदराबाद हैव बीन द रिकॉग्नाइज्ड एज द 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्बर डे फाउंडेशन एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इट वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ नॉट यूनाइटेड नेशन ऑफ द डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड तो ये आपका कंपनी नहीं था सो स्टेटमेंट वन इज इन सेकेंड क्या था कि हैदराबाद वॉज सेलेक्टेड for the recognition of the year following its commitment to growing and maintaining the urban forest yes so second one is the correct kyunki unhone jo hai isko grow kiya tha isko maintain kiya tha forest ko iske liye unko jo hai yahan pe 2020 ka jo hai wo Tree city of world chuna gaya tha किसके द्वारा दो foundation, दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा Arbor Day Foundation और दूसरा था

बट इस करेक्ट सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया गाइज तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और जो भी जितने भी चैनल है ऑनली स्टडी के नाम से पहले ये फर्टाइल क्लासेस के नाम से था सो यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब चैनल दैट इज द फर्टाइल क्लासेस और आपको ऑनली स्टडी चैनल जो है उससे भी आप सर्च कर सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग चैनल है जिसमें स्कूल्स मतलब एकेडमिक्स के लिए नाइन्थ से ट्वेल्थ आई आई टी जेई के लिए यहाँ पे ओनली स्टडी स्कूल है ओनली स्टडी बैंकिंग है ओनली स्टडी हिंदी है जिसमें सिर्फ हिंदी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी होती है वो सारी कराई जाती है ओनली स्टडी ऑफिशियल है ऑनलाइन स्टडी आई आई एस एंड पी सी एस की एग्जामिनेशन के लिए है ऑनलाइन स्टडी रेलवे एंड जो है एस एस सी के लिए है तो जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी यहाँ से कराई जाती है आप हमारे साथ जुड़कर जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और जिसमें क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी